दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मैच का पहले दिन का खेल आज खेला गया। आपको बता दें, इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही और पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ एक बार फिर से अपना खाता नहीं खोल पाए और स्टार्क की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड हुए। आपको बता दें, इसके बाद बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा और उन्होंने मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि ये साझेदारी ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई और 20वें ओवर की पहली गेंद पर आखिरकार मयंक अग्रवाल भी बोल्ड हुए। उन्होंने 40 गेंद में 17 रन बनाए जिसमें 2 चौके शामिल थे। इसके बाद दोस्तों, बल्लेबाजी करने आए कप्तान विराट कोहली और उन्होंने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर पारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। इन दोनों के बीच 70 रनों से ज़्यादा की साझेदारी हो चुकी थी कि तभी 50वें ओवर की चौथी गेंद पर आखिरकार चेतेश्वर पुजारा भी कैच आउट हुए। उन्होंने 160 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 43 रनों की पारी खेली। इसी बीच दोस्तों, कप्तान विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया और एक छोर से वो लगातार रन बना रहे थे। अर्धशतक लगाने के बाद भी वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कि तभी 77वें ओवर की आखिरी गेंद पर आखिरकार विराट कोहली भी काफ़ी ख़राब तरीके से रन आउट हो गए। जी, आपको बता दें, कोहली ने 180 गेंदों में 74 रन बनाए जिसमें 8 चौके शामिल थे। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, दरअसल विराट कोहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धोनी ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बतौर कप्तान कुल 813 रन बनाए थे, जिसे विराट ने पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन अपनी पारी के दौरान तोड़ दिया। वहीं इस मामले में सौरव गांगुली 449 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, इस मैच में कप्तान विराट कोहली के आउट होने के बाद तुरंत ही भारत के और 2 विकेट गिरे, जहां पर सबसे पहले 81वें ओवर की चौथी गेंद पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे अजिंक्य रहाणे भी LBW आउट हुए। उन्होंने 92 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 42 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों, तुरंत ही 84वें ओवर की दूसरी गेंद पर हनुमा विहारी भी LBW आउट हुए। उन्होंने 2 चौकों की मदद से 25 गेंदों का सामना करते हुए कुल 16 रन बनाए। आपको बता दें, ये खबर लिखे जाने तक भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 223 रन बना लिए हैं। ऐसे में दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस मैच में कप्तान विराट कोहली की 74 रनों की पारी कैसी लगी। जल्द से जल्द नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। IPL 2020 से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।